एक लास्ट वीडियो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली थी साइनाइड की, है ना, केसीएम वाली रिएक्शन में पढ़ ली थी, याद आ रहा ना? Yes. उसमें साइनाइड के तीन टाइप भी पढ़े थे. आज हम लोग अगला पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप है. लिखो सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड. आइसोसाइनाइड क्या होता है? तो देखो भाई, जिनको नहीं मालूम वो समझे. साइनाइड एक एम्बिडेंट ग्रुप है. कैसा ग्रुप है? एम्बिडेंट. एम्बिडेंट ग्रुप क्या होते हैं? जो दोनों तरफ से जुड़ जाते हैं, जैसे CN और NC. तो ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है. अब हम लोग इसी की रिएक्शन करने वाले हैं. जैसे आपने लिख दिया CH3 CH2 Cl या CH3 Cl, कुछ भी. जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl और रिएक्शन करवा दी AgNC की, पोटेशियम आइसोसाइनाइड की. तो बताओ भाई क्या बनेगा? बोलो. बिल्कुल आसान है, है ना, तुरंत ही. लेकिन एक बात रखें, जब भी मैं KCl लिखूंगा, ठीक है, तो ये लिखने में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन चलो कर ही लो, पहले बताता हूँ तुम्हें. KCl निकल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं. और सीधा सीधा NC आ जाएगा, ठीक है. लेकिन एक बात समझिए, देखिए होता क्या है. जैसे ध्यान समझना, ये जैसे KCl लिखा है, तो इसका सही तरीका क्या है, इसको हटा देता हूँ पहले. जैसे मैं लिखता हूं KCl, ठीक है, तो यहां से KCl निकल के साइनाइड आसानी से निकल जाएगा. लेकिन अगर इसी साइनाइड को मैं AgCN से करवा देता, NC नहीं करवा रहा हूं. देखो, अगर NC ही लिख के करवाऊंगा तो बात ही बदल गई. लेकिन अगर साइनाइड लिख के करवाऊं, समझ आए ना, तब क्या होगा? तो देखो, KCl निकल जाएगा और इसका आंसर बनेगा CH3 CH2 CN, ठीक है. और इसमें Ag और Cl निकल जाएगा. हाँ, इसका आंसर बनेगा CH3 CH2 NC. समझ में आया? तो अगर मुझे NC लगाना है, तो एक तो तरीका है AgCN की रिएक्शन करवाने से. Ag होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है नाइट्रोजन के, ठीक है ना. अभी इसको रीजनिंग में समझाऊंगा. तो नाइट्रोजन के लोन पेयर एक्सेप्ट करने से नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बन जाता है, तो वो NC अटैच बनवाता है, ठीक है. अगर आप आइसोसाइनाइड का कोई कंपाउंड ले, तो पोटेशियम आइसोसाइनाइड ले, है ना, या कोई और आइसोसाइनाइड कंपाउंड हो, तो वो तो बनाएगा बनाएगा. लेकिन ये AgCN साइनाइड है, लेकिन CN की साइड से लगेगा नहीं, और ये लग जाएगा NC की साइड से. क्यों? क्योंकि Ag डी ब्लॉक का एलिमेंट है और S ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, तो सीधा साइनाइड लग जाएगा. बोलो, क्लियर है? यस सर. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है. अगला देखो, अगला क्या होता है, इतना कर लोगे ना. अब अमीनो ग्रुप है. अमीनो ग्रुप क्या होता है भैया? क्या होता है अमीनो ग्रुप, कभी सुना ना? NH2 ग्रुप, है ना. तो चलो इसी में देखो करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई अमीनो ग्रुप. अमीनो ग्रुप, तो इसमें मैंने लिख दिया, जैसे मान लो अमोनिया से रिएक्शन करवाता हूं, HNH2, ठीक है. देखो इसमें क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन बाई अमीनो ग्रुप. अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब कोई नेगेटिव निकल रहा है, उसकी जगह कोई नेगेटिव अमीनो ग्रुप आ रहा है, अमाइन ग्रुप, है ना. तो ये HCl निकल गया, yes, और क्या बन गया? हाँ, CH3 CH2 और NH2 हो गया भाई अमीनो ग्रुप, इथेनामाइन बन गया. बोलो, क्लियर? कठिन है क्या ये? बिल्कुल आसान है. आपको क्या करना है, जैसे अमोनिया होती है NH3, NH3 को कैसे लिखते हैं? HNH2 के फॉर्म में लिख दो. बताओ इसमें क्या कठिन है? कुछ नहीं. अगला देखेंगे भाई, इतना हो जाएगा सबका, ठीक है. अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि डिग्री के बेसिस पर इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं, वो भी समझाइए देता हूँ. देखो, जैसे ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का. देखो, जिनको नहीं मालूम वो समझ लें. यहाँ पर एक एच लगा है और बेटा यहाँ लिखा है CH3 CH2, तो एक तरफ कार्बन लगा है ना, तो ये 1 डिग्री हो गया. समझ में आ गया? ठीक. अब देखो, मालूम मैंने लिख दिया CH3 CH2 और Cl, और इसकी रिएक्शन इससे करवाते, तो क्या करेंगे? लिख देता हूं NH CH2 CH3. देखो, HCl निकल जाएगा, हाँ, है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा और इसकी डिग्री बढ़ जाएगी. अब कितने डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री का. तो CH3 CH2 N CH2 CH3 और नीचे H. समझ में आ गया? 2 डिग्री बन गया भाई. अब इसकी फिर से अगर मैं रिएक्शन करवा दूं, तो देखो CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 N CH2 CH3 और नीचे H लगाए,
तो ये एच और सी एल निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये कंपाउंड आके यहाँ लग जाएगा। तो अब देखो कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब इनको तीन बार भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ थ्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी समझाने के मैं लिख देता हूँ, हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि अगर अगर मैं इसकी भी रिएक्शन करवा दूं तब क्या होगा। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl, और ये थ्राइस वाला ले लिया CH3 CH2 का होल थ्राइस n, समझ गए ना, ये बात एक ही लिखी हुई है। CH3 CH2 का होल थ्राइस, मतलब ये तीन बार लिखे हैं, किससे जुड़े हुए, नाइट्रोजन से जुड़े हुए, बात समझ आ गई। चाहो तो ओपन करके लिख लो या मैं लिख ही देता हूं, छोड़ो। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो H तो है ही नहीं, तो निकलेगा क्या, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके। हाँ नहीं, असल में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, और ये वाला जब बॉन्ड टूट जाएगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, प्ले प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। प्लस का मतलब इसके पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जाएगा नाइट्रोजन के पास, कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन में चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन के पास भी है ना, तो वो क्या कर लेगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये बात समझ में आ रही है, जरा इसको समझो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ बाकी सब चीजें लगी हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, बाकी सब चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने ले लिया CH2 CH3, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे आ गया चार्ज, इन्होंने बना लिया बॉन्ड, ठीक है। अब नाइट्रोजन में चार्ज है तो जो Cl नेगेटिव है वो इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन से है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये बन गया क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, ये टर्सरी था, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये क्वार्टेनरी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो, लिख लो बेटा। नहीं आया आपको समझ में, हाँ लिख लीजिएगा इसको, तो अब आपको आ गया ना, खुद से लिख लेंगे इसमें क्या। सुनिए, चलिए बात सुने, अब हम लोग करेंगे रिएक्शन किससे, अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या है, जैसे अच्छा अच्छा एक और बात समझो, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, ठीक है, और ये भी एक एम्बिडेंट ग्रुप है, एम्बिडेंट का मतलब ये ऐसे जुड़ सकता है नाइट्रोजन से या जुड़ सकता है ONO, हाँ है ना, ठीक है ना। नहीं, ONO अलग होता है, वो नाइट्रस एसिड होता है, ये ONO है ना, समझ गए ना। तो ये एम्बिडेंट ग्रुप है, एम्बिडेंट ग्रुप मैं फिर से समझा रहा हूँ, जितने भी एम्बिडेंट ग्रुप होते हैं अगर वो AG के साथ आ जाए या डी ब्लॉक के एलिमेंट को प्रायोरिटी दे दें, है ना, तो वो हमेशा नाइट्रोजन की साइड से अटैच होंगे, ठीक है ना। जैसे साइनाइड है तो वो N की तरफ से अटैच होगा, और AG के साथ अगर NO2 है तो वो N की तरफ से अटैच होगा, समझ में आया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो वो जब बॉन्ड बन रहे होते हैं तो उसमें लोन पेयर को प्रोवाइड करवाता है मेटल को, ठीक है ना। अब पोटेशियम को तो S ब्लॉक का है तो उसको इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेता नहीं, वो तो अकेला है। AG होता है D ब्लॉक का, उसके पास खाली जगह होती है, वो लोन पेयर ले लेता है तो वहां पर बॉन्ड बन जाता है उसका, समझ में आया। और पोटेशियम में बॉन्ड नहीं बना पाता है तो कार्बन अपने आप बॉन्ड बनाता है फिर, ठीक है। पोटेशियम बॉन्ड क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि लोन पे ले ही नहीं पाया था नाइट्रोजन का, लेता तो बॉन्ड बनता ना, बात क्लियर है ना, ठीक है। तो चलो इसकी रिएक्शन दो देखें, जैसे यहाँ पे Cl लिख दिया प्लस KNO2 लिख दिया, ठीक है, और एक लिख देता हूँ CH3 CH2 Cl प्लस AgNO2। अब बताओ क्या बनेगा, हूँ क्या, बोलो लगाओ दिमाग। देखो भाई प्लस माइनस तो जानते हो ना, अपना पुराना माइनस प्लस प्लस है ना, ये दोनों निकल गए। अब ये इसमें जुड़ेगा लेकिन वो K है तो हाँ, तो लिखेंगे कैसे, CH3 CH2 ONO, ठीक है, NO2 सीधा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें AgCl जब निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 NO2, बोलो क्लियर, इतने बताओ क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। तो चलो फिर आगे लिखते हैं, अगला ग्रुप कौन सा, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्साइल ग्रुप से करवा लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखो, ये हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन दिक्कत है तो पूछो, नहीं ठीक है, चलो आगे करते हैं, कपड़ा कहाँ गया।
कौन सा ग्रुप करवाना है? लोग करेंगे रिएक्शन बाय कार्बोक्सिल, है ना, कार्बोक्साइल ग्रुप है ना, कार्बोक्साइल ग्रुप। देखो भाई इसमें मैंने एक रिएक्शन करवा दी सी एस थ्री, सी ओ ओ को लिखते हैं ऐसे, सी ओ ओ ए जी, ठीक है, प्लस माइनस कर लो, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो ए जी और सी एल क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। एल्कोहल की प्रेजेंस होती है इसमें सी टू एच फाइव ओ एच, इसकी प्रेजेंस है, तो जब निकल जाएगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ, और उल्टा लिखना था, इधर से लिखना चाहिए ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। जरा बताओगे क्या बन गया, कौन सा कंपाउंड है ये? ईथर। गलत, ईथर तो आर ओ आर होता है, दो कंपाउंड होते हैं, हाँ आर सी ओ ओ आर है, बताओ क्या होता है? ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर होता है, फ्रूटी लाइक स्मेल वाले याद नहीं आ रहा, टेंथ में पढ़ते थे फ्रूटी लाइक स्मेल, ईस्टर, टेंथ पढ़ी नहीं थी, टेंथ में था यार, टेंथ में था, टेंथ में है भाई, एसिड प्लस एल्कोहल एच टू एस ओ फोर साथ और फ्रूटी लाइक स्मेल ईस्टर बनता है, बनता है, टेंथ पढ़ी होती ध्यान से तो पता होता, ऑनलाइन करोगे तो ऐसे ही रहेगा। चलिए ये समझ में आ गया, कुछ कठिन है क्या इसमें? ठीक है चलो आगे बढ़ते बेटा। अब हम लोग एक करेंगे, लिख ले सब्स्टिट्यूशन भाई, हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड देखें भाई, हाइड्रोसल्फाइड क्या है भैया? हाइड्रोसल्फाइड देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था, हाइड्रोसल्फाइड कुछ नई चीज़ नहीं है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसमें सल्फर ऑक्सीडेंट आ गया, सल्फर लगा दो, ठीक है, तो सोडियम समझ गए ना, तो कुछ नहीं है उसमें, जैसे थायो ग्रुप वाला था ना कंपाउंड, वैसे सोडियम, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो और सल्फाइड, देखो सोडियम हाइड्रो सल्फाइड, हाइड्रो सल्फाइड रिएक्शन करवानी है सी एच थ्री, अरे इसके नंबर तो बदलते रहो, सी एच थ्री सी एच टू सी एल की, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस, उम्मीद है रिएक्शन हो पाएगी, कोई ना करवा पा रहा हो तो बताओ, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक है, नाइन्थ नंबर की रिएक्शन है, बीच के तो नंबर ही नहीं लिखे थे, लिख लो एन ए सी एल हो जाएगा, कोई समस्या? क्या बनेगा? सी एच थ्री सी एच टू एस एच प्लस एन ए सी एल, बताओ इसमें क्या समस्या आ रही है? ठीक है तो इसका नाम बताओ, बहुत बढ़िया शाबाश, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बढ़िया बात है बेटा, इथेन, और अगर ओ लिखा होता तो ऑल लिखते, और एस लिखा है तो थायो ग्रुप लगा दिया करो, थायो ऑल, इथेन थायो ऑल, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या हुआ, चालू नहीं होती बैटरी की नोटिफिकेशन? अच्छा खत्म हो गई, कितनी है? 20 में तो निपटा लेंगे, पावर से भी बैठा होगा ना, ये हो गया सभी का, थायोल तक का है ना, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब हम लोग एक करेंगे सब्स्टिट्यूशन भाई, किससे? सल्फाइड ग्रुप, सल्फाइड क्या होता भाई? एस, बस खाली एस, जैसे है होता तो एस ही है, लेकिन जैसे मान लो किसी ने बोल दिया सोडियम मिथाइल सल्फाइड, तो नाम क्या बन जाएगा? देखो सोडियम, सोडियम मिथाइल और सल्फर के दो बॉन्ड, सल्फाइड बन गया, तो ये सल्फाइड ग्रुप से है। ठीक है भाई, अब आपको प्लस माइनस आता ही है, तो उम्मीद है रिएक्शन हो ही गई लगभग, है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सी एच थ्री सी एच टू एस सी एच थ्री और प्लस एन ए सी एल, हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं इसमें, इसका नाम बताएं, हाँ है ना, जैसे इसका था इथाइल मिथाइल, ओ लगा होता तो ईथर हो जाता, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, ठीक, कोई कठिन बात नहीं है इसमें, है ना। अगला करते हैं सब्स्टिट्यूशन भाई, अजाइड ग्रुप, हो गया सबको, आ गया ना समझ में? नहीं आया तो बताओ, क्लियर है ना, ठीक है, अजाइड ग्रुप देखो बेटा, ए जेड आई डी ई, अजाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूशन भाई, अजाइड ग्रुप, अजाइड क्या होता है? N3, ठीक है ना, मान लो सोडियम अजाइड है तो एन ए एन थ्री हो गया,
इसकी रिएक्शन करवानी है, कर लो कि नहीं। देखो कंपाउंड देख के डरना कुछ नहीं है, आपको बस प्लस माइनस कर लेना है, खत्म, निपट गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इसमें, CH3CH2 और N3 प्लस NaCl। तो ये क्या बन गया, हाँ एजाइडो मीथेन, ये एजाइड ग्रुप था तो एजाइडो मीथेन। ठीक है, एजाइडो मीथेन बन जाए मीथेन, लेकिन ये मीथेन तो ही नहीं, इसमें दो कार्बन है, एजाइडो ईथेन होगा ना। हाँ ऐसे ही होता है, मैंने दो कार्बन ले रखे हैं ना, इन्होंने मीथेन बोल दिया। मैं समझ गया तुमने क्या सोचा था। ऐसे ही होता है जब नकल करके बोला जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। अगला एल्काइल ग्रुप से देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाई एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखें CH3, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में भी बड़ा काम आती है, क्योंकि देखो कार्बन की संख्या भी बढ़ा रही है। NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, सोडियम एसिटाइलीन, ठीक है, तो इसमें क्या निकल जाएगा बेटा, NaCl, कोई भी जान सकता है इस बात को, है ना, तो NaCl निकल जाएगा आपका। देखो क्या बन जाएगा, CH3CH2C और ट्रिपल बॉन्ड CH। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास दो कार्बन चले थे, यहाँ पे कितने होंगे, चार कार्बन हो गए, बॉन्ड सिंगल चला था ट्रिपल हो गया, इसलिए बहुत बढ़िया रिएक्शन है। सोडियम एसिटाइलिन सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कर देता है और कार्बन की काउंटिंग को भी बढ़ा देता है, ठीक है, प्लस NaCl। लिख लें बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन वाला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाया था, उसमें पहला पॉइंट था सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया है, दूसरा पॉइंट एलिमिनेशन है, हेड डाल दो एलिमिनेशन, लिख लो। अगला देखें, अगला देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन आपका फर्स्ट पार्ट था, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी के सारे पार्ट लिखवा दिए थे, पहला सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा एलिमिनेशन आया। एलिमिनेशन का नाम ही क्लियर हो रहा है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट, एलिमिनेट माने हटाना, है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इस कंपाउंड में से कुछ ना कुछ चीज बाहर निकाल ली जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको याद है मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, KOH की रिएक्शन थी, KOH, उसमें दो पार्ट थे, एक्वस और एल्कोहलिक, पानी में घोल के बनाओगे तो एक्वस बनेगा, एल्कोहल में डाल के बनाओगे तो एल्कोहलिक बनता है, याद आ रहा है। तो एक रिएक्शन देखें, पहली रिएक्शन इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन लिख देता हूँ, और इसमें पहली है रिएक्शन विद KOH, कौन सा, एल्कोहलिक। तो देखो जैसे मैं लिख दिया CH3CH2Cl, ठीक है, अब इस पे रिएक्शन करवा दी मैंने KOH की, KOH एल्कोहलिक। तो समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन बना लेता हूं, ओपन कर लेता हूं, CCCl H H, वही बात लिखी है, CH3CH2Cl ही लिखा हुआ है, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो Cl कैसा होता है, नेगेटिव, के कैसा होता है पॉजिटिव, ये काउंटर नेगेटिव है, ये दोनों बाहर निकल गए, बोलो हाँ है ना, अब OH यहाँ आएगा, ठीक है, तो देखो कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH H H CH H, और यहाँ लग जाएगा OH, लेकिन ये कैसा है, एल्कोहलिक है, अगर ये एक्वस होता तो यही मामला खत्म, लेकिन एल्कोहलिक है तो उससे पानी और निकलना है, तो देखो अगर ये OH इसमें से पानी निकाले तो बॉन्ड अपने में तो बनेगा नहीं, हाँ है ना, तो बॉन्ड तो सामने वाले से बनेगा ना, तो दोनों निकल गए, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, अंदर की तरफ ऊपर जाएंगे, हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर और साथ में KCl, तो हो गया एलिमिनेट। एलिमिनेट माने क्या होता है, कोई चीज को हटा देना, निकाल देना, है ना, तो यही, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं समझाया क्या, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन, अब देखो ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट दिक्कत परेशानी, क्लियर है ना, है ना, तो अब इसमें देखो इसमें और क्या हो सकता है, यही रिएक्शन बिल्कुल ऐसी, लेकिन अगर मैं कंपाउंड को थोड़ा सा बदल दूं तो रिएक्शन यही है, लेकिन कंपाउंड बदल के मैंने कैसा कर दिया, CH3CH2 और CH और यहाँ पर लगा दिया Cl और यहाँ लिख दिया CH3 और सेम रिएक्शन करवा रहा हूँ सेम, अब क्या होगा, अब देखो अब KCl तो निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है,
OH यहाँ आ भी जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, लेकिन ये OH के पास दो ऑप्शन है, एक तो ज्यादा जिधर तीन हाइड्रोजन है उधर से हाइड्रोजन ले ले, या जिधर दो हाइड्रोजन है उधर से हाइड्रोजन ले ले, है ना दो ऑप्शन। पहली बार दो ही कार्बन थे तो एक ही ऑप्शन था, लेना है उसी से लो नहीं तो मत लो, ठीक है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है तो मेरे पास दो आंसर बनेगा, एक जिधर हाइड्रोजन क्या है मोर है और एक हाइड्रोजन इधर लेस है। अगर ये OH इधर से हाइड्रोजन उठाएगा तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा भाई, ये OH और इसका हाइड्रोजन तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये OH और इसका हाइड्रोजन तो बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ज़्यादा वाली साइड से उठाए तो आंसर आएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और उधर वाली कम वाली साइड से उठाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है भाई, आए ना। तो बेटा ये जैसे मार्कोनी और एंटी मार्कोनी हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ के BR लगाते थे या CL लगाते थे, है ना। यहाँ पर CL हटा के दोबारा डबल बॉन्ड ला रहे हैं, तो एक दूसरे से मतलब मार्कोनी और एंटी मार्कोनी एक दूसरे का अपोजिट है, और ये जो बातें आई हैं ये उन दोनों की अपोजिट है, देखो समझ ना, वर्किंग स्टाइल अपोजिट है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में हमें पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता था, HBr की रिएक्शन करवाते थे HCl की, है ना, और बॉन्ड इधर उधर टूट जाता था। इस बार मेरे पास हैलाइड है और मुझे वापस बॉन्ड बनाना है, समझ गए मेरी बात को, तो हम अपोजिट जा रहे हैं उसके। अच्छा, अगर आप हाइड्रोजन ज्यादा वाली साइड से उठाओगे तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, HOFFMANN, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है ना, हॉफमैन। और अगर कम वाली साइड से उठाते हो तो ये सिटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है, SABTZEFF, सिटजेफ, सिटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो इसमें दो होते हैं हॉफमैन और सिटजेफ, अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया है, और मेजर माइनर मैंने वो पहले भी कई बार समझाया। मान लो ये पेन ऐसे मैं पकड़ूं और डबल बॉन्ड बीच में है, तो भाई डबल बॉन्ड जब बीच में है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर मैं इस बॉन्ड को इधर खिसका दूं तो ये तो गिरेगा ही, हाँ है ना, गिरेगा गिरेगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो जितना चीज़ सिमेट्रिकल हो जाएगी उतनी स्टेबल होने लगेगी, अनसिमेट्रिकल चीज़ें तो कम स्टेबल होंगी ना, बोलो क्लियर। ये हमने दो पॉइंट ख़त्म कर लिए, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसी, ठीक है, मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन बस इतना ही है, ठीक है।